नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं, दुसाद जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एकाध दुगो दुसाद जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ाधरी किया है तो 12 को यादव ही लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शिरुल काज जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में लेकर के उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग ये तोहमत लगा रहे हैं कि दलित नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं। दलित नेता है कौन? दलित नेता जीतन मांझी क्या नहीं है? दलित मांझी दलित तो शुरू से बोल रहा है। विधानसभा में जब विधानसभा के सदस्य थे उस समय भी हमने कहा था कि बिहार में 70% परमाना पर्चा का जमीन है, एक पार्टी विशेष के लोगों के कब्जे में है, कब्जा किया जा रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे। तो जब बिहार विधानसभा में जीतन मांझी बोल सकता तो जीतन मांझी तो दलितों में भी सबसे दलित आदमी है जो उसने कहा है, तो इस बात का तो लोगों को समझदारी होनी चाहिए।